रॉकी की लॉज। ये गोल वाली लौकी है, ये बेस्ट है लौकी का हलवा बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए। ये हम लौकी से बनाते हैं लौकी का हलवा, जिसको हम लॉज भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं ये लौकी का ऊपरी हिस्सा काट दूंगा और ये नीचे वाला हिस्सा, और इसको मैं अब पीलर की सहायता से छील लेता हूं। लौकी छिल गई है और मैं इसके दो टुकड़े कर लेता हूं। इसको मैं हाथ के हाथ पानी में डाल देता हूं, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। मैंने एक लौकी का पीस लिया, इसको बीच में से काट लिया और ये देखिए बिना बीज की लौकी है। इसको मैं सीधा कद्दूकस कर लूंगा, मुझे कोई बीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब मैं लौकी को कद्दूकस कर लेता हूं। हमें गूदे गूदे का कद्दूकस करना है। ये लौकी कद्दूकस हो गई है, करीब 250 ग्राम लौकी है। कद्दूकस की हुई लौकी मैंने ले ली और इसको मैं अब उबलते हुए पानी में डालूंगा। ये उबाल आ गया है, अब मैं इसको ढक देता हूं और इसकी गैस बंद कर देता हूं। एक स्पून देसी घी लिया है और उसमें मैं अब ये जो कद्दूकस उबली हुई लौकी है इसको मैं मिला डाल देता हूं और इसको मैं अच्छी तरह से देसी घी में भून लूंगा। तो मैंने ये लौकी में चीनी डालकर इसको पका रहा हूं। करीब 400 ml दूध गाढ़ा कर लूंगा। रबड़ी हमारे मलाईदार बने उसके लिए मैंने एक चम्मच कॉर्न फ्लोर पानी में घोल के मिला दिया है इसमें। इससे हमारी रबड़ी में बहुत अच्छी मलाई आएगी। ये रबड़ी बन रही है हमारी। पानी अब लगभग सूख चुका है, अब मैं टाइम आ गया है इस रबड़ी को ट्रांसफर करने का। इसमें मैं रबड़ी ट्रांसफर कर देता हूं पूरी और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको पका लेंगे। हलवा हमारा तैयार हो गया, अब मैं इसको सर्व करता हूं। मैं लौकी के हलवे को सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेता हूं। मैं इसको गार्निश कर लूंगा, मेरे पास मावा है, मावा रखा मैंने इसके सेंटर में, कुछ पिस्ताचू ऊपर से डाले और हरी इलायची का पाउडर। लौकी का हलवा तैयार, बहुत यम्मी है हलवा, बहुत टेस्टी बना है, बहुत शानदार बना है। आप जरूर ट्राई कीजिए।